रोटी खाते हैं वो कैसी बनती है? चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। नमक है, ये गिरदा बेलन है, ये पानी है और ये तवा है। ठीक है, आटे को मराठी में पीठ कहते हैं और ये जो नमक है उसको मीठ कहते हैं। मीठ इसमें हम नहीं भी डाले तो चलेगा। चलो लुकमान, आप मायरा को बताओ कि किस तरह से आटा गूंदा जाता है। पहले हम थोड़ा सा आटा लेंगे। ठीक है, पीठ लिया हमने। फिर थोड़ा पानी डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर हम इसे गूंदेंगे। गूंदेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से मराठी में बोलते हैं कि जिस तरह आटा बारीक बारीक मिलता है तो कनीक कनीक मिळून येते। ठीक है, गूंद दो लुकमान आटा अच्छे से। मारा ध्यान दो किस तरह भैया गूंद रहे हैं। बहुत अच्छे, और तुमने थोड़ा सा पानी ऐड किया। हम एकदम पानी क्यों नहीं डालते इसमें? क्योंकि पानी ज्यादा हो गया तो आटा डबल नहीं आता और आटा कम, ये पानी कम हो गया तो पानी डबल डाल सकते हैं। और अगर इस तरह आटा पतला हो जाए तो अब क्या करें? और आटा जरा ले लेंगे। ठीक है और लेके इसको मिक्स कर लेंगे। जानते देखो बहन, पानी कम हो गया दिख रहा तरफ। ये आटा बनकर तैयार हो चुका है। आटा इस तरह तैयार हो जाता है। बहुत अच्छे लुकमान, ये हमारा आटा यहाँ पर तैयार हो चुका है। चलो अब मायरा को बताओ कि रोटी किस तरह से बेलते हैं। बहन इसे कहते हैं गिरदा बेलन। मराठी में इसे लाटनी कहते हैं। बहन हमने जो आटा गुना था उसे हम यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, फिर आप उसे बेलन से गुनेंगे। बेलना कहते हैं, इसे कहते हैं पोड़ी लाटना। पोल पाट पे पोड़ी लाटना। बहुत अच्छे लुकमान, वेरी गुड। चलो अब हम इसे मम्मी के पास से चेक कर लाते हैं। चलो चलो।